सो फ्रेंड, इस वीडियो में मैं आप लोग को लाइव प्रूफ यहां पे जो हमारा 500 गूगल एड्स में जो बैलेंस पड़ा हुआ है, इसको मैं लाइव प्रूफ आप लोग के सामने अपने बैंक अकाउंट पे ट्रांसफ़र करके दिखाऊंगा। बट उससे पहले मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल वाला नोटिफिकेशन को भी अलाउ करना ना भूलें, क्योंकि इस चैनल पर आपको अच्छी अच्छी वीडियो हम लाते रहते हैं और जिसका नोटिफिकेशन अगर आप अलाउ करके रखते हैं तो अच्छी अच्छी वीडियो आपको देखने को मिलेगा। देखिए फ्रेंड, आपके जो गूगल एड्स में जो भी बैलेंस पड़ा हुआ है, अगर उसको आप अपना बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहते हैं तो बड़ी ही आसानी तरीके से आप कर सकते हैं। शायद आप लोग को अभी तक अगर नहीं पता और इस वीडियो पे आपने क्लिक कर दिया है तो अभी जो भी बैलेंस आपके गूगल एड्स में फंस गया है या पड़ा हुआ है उसको सीधे आप अपने बैंक अकाउंट पर ट्रांसफर कर पाएंगे। बट इनका कुछ टर्म एंड कंडीशन है, उसको भी आपको जानना बहुत ही जरूरी है। ये अब जो भी बैलेंस आपको ट्रांसफर करना हो, आपका जो अकाउंट में पड़ा हुआ बैलेंस है उसको आप उसी अकाउंट में ले सकते हो जिस अकाउंट से आपने पेमेंट किया हुआ है, यानी कि सेम बैंक अकाउंट पे ही आपका पेमेंट आएगा। चाहे पेमेंट का मोड आपने किसी प्रकार का कोई भी पेमेंट मोड यूज किया हो, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, UPI, क्रेडिट कार्ड, जो भी आपने किया है, वो ऑटोमेटिक गूगल एड्स का जो टीम है वो वेरीफाई कर लेता है और उसी बैंक अकाउंट पे आपको ट्रांसफ़र कर देता है। और इसका जो टाइम फ्रेम लग सकता है वो आपको एक सप्ताह लग सकता है, जी हाँ, 1 वीक के अराउंड आपको लग सकता है। आपका सीधे आपने जिससे पेमेंट किया था उसी बैंक अकाउंट पे आपको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते, मैं आपको पूरा प्रोसेस भी बता देता हूँ जो कैसे आपको करना है। तो सबसे पहले आपको 3 डॉट वाले पे जाना है फ्रेंड, और यहाँ पे जो डेस्कटॉप साइड यहाँ पे जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे कर रखा है इसको आपको पहले इनेबल करना होगा क्रोम ब्राउजर में। तो मैंने कल ऑलरेडी कर दिया, अब आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे ये वाली जो ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगा, देख लीजिए, मैं आप लोग को एक बार दिखा देता हूँ। इस पे टूल्स एंड सेटिंग पे क्लिक करना है, फिर सेटअप वाला ऑप्शन आएगा, सेटअप पे भी क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको प्रेफरेंस का एक ऑप्शन आता है, इसको आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही मैं इस पे क्लिक करता हूँ, अभी देख लीजिए सारा कुछ हमारे पास आ गया है। अभी यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ फ्रेंड इस वाले सेक्शन पे, ठीक है, ध्यान से देख लीजिएगा। यहाँ से मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ एक बार, यहाँ पे देख लीजिए, इस वाले सेक्शन को आपको जैसे ही क्लिक करना है यहाँ पे कैंसिल माई अकाउंट का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो ऑटोमेटिक यहाँ पर आपको कैंसिल इस तरह का, देखिए जैसे ही मैंने क्लिक किया ये वाला ऑप्शन आ गया, योर अकाउंट इज कैंसिल, एड्स अकाउंट आर नॉट रनिंग, ठीक है। तो यहाँ पर कैंसिल हो गया और टोटली ये जो पेमेंट है वो सीधा आपका बैंक अकाउंट पे जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया जाता है सेम बैंक अकाउंट में, ठीक है फ्रेंड। बट इनका क्राइटेरिया आपको याद रखना है, आपका जो अकाउंट है वो एक्टिवेट होना चाहिए, ठीक है। एक्टिवेट का मतलब ये नहीं कि आप काफ़ी दिन से यूज नहीं किए हैं, ऐसा नहीं, यूज आपका है, किसी कारणवश से आपका ऐड रन नहीं हो रहा है, आपका जो अकाउंट सस्पेंड हो गया है या किसी कोई भी दिक्कत है, आप इसको यहां से वापस कर सकते हो। सो फ्रेंड, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।